उपहार कार्यक्रम में हम सभी शहरवासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। टीवी न्यूज चैनल खबर हर पल की प्रस्तुति रंगोत्सव काव्य फुहार लेकर हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। मेरे साथ हैं हमारे आज की काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री डीसी तिवारी जी, जो कि नगनैनी एम्पोरियम में प्रबंधक हैं। उनके साथ हैं श्री चेतराम सिंह जी भदौरिया जी, जो कि सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक हैं। मेरे साथ हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनुमंडित कवि शायर गीतकार धर्मपाल मधुकर जी। मेरे साथ हैं जाने माने हमारे शायर श्री भाई जी, शमशाद भाई जी हैं, और साथ में हमारे साहित्य प्रेमी श्री चेतराम सिंह जी माहौर हैं। और इसी के साथ अब हम ये काव्य फुहार टीवी न्यूज चैनल खबर हर पल की प्रस्तुति आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। तो लीजिए रंगोत्सव काव्य फुहार की पहली फुहार लेकर आ रहे हैं जनाब शमशाद भाई। मैं आपके सामने ग्वालियर से शमशाद भारती छोटी सी बोली पेश कर रहा हूँ। स्वागत। सुनिए सर। सुन आजा भौजी खेलेंगे। क्या बात है, वाह। सुन आजा भौजी खेलेंगे आज संग होरी। क्या बात है, वाह वाह। सुन आजा भौजी खेलेंगे आज संग होरी। तो भाभी कहने लगी, क्या के नहीं लाला। क्या बात है, के नहीं लाला। वो बोलेंगे मुझसे बुरी बुरी। वाह वाह, बोले क्या बात है, वाह वाह वाह। गुंडा भाई, क्या बात है, क्या बात है। मुझसे बुरी बुरी बोली वो बोलेंगे लाला, मुझसे बुरी बुरी बोली। सुन आजा भौजी खेलेंगे, आजा भौजी खेलेंगे आज संग होरी। के नहीं लाला, क्या बात। के नहीं लाला बोलेंगे मुझसे बुरी बुरी बोली वो बोलेंगे। क्या बात है, लाला मुझसे बुरी बुरी बोली। खेलत अगर देखी हाँ बोलेंगे। क्या बात है, वो बोलेंगे लाला मुझसे बुरी बुरी बोली। क्या बात है, वाह। वो बोलेंगे लाला मुझसे बुरी बुरी बोली। वो बोलेंगे लाला मुझसे। क्या बात है, क्या बात है। भाभी कहने लगी अपनी सहेलियों से, क्या कह रही है, ये लक्ष्मण सा देवर। क्या बात है, वाह। बहुत मोहे चाहे। क्या बात है, ये लक्ष्मण सा देवर मेरा बहुत मोहे चाहे। पर बैरी जमाना मोहे ऐबू लगाए। ये लक्ष्मण सा देवर मेरा क्या बात है बहुत मोहे चाहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। देवर मेरा ये लक्ष्मण सा देवर मेरा बहुत मोहे चाहे। ये लक्ष्मण सा देवर मेरा बहुत मोहे चाहे। क्या बात है, पर बेरी जमाना मोहे ऐबू लगाए। क्या बात है, भीगी अगर देखी हाँ मोरे लाला। भीगी अगर देखी कहीं मरी चोली। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ भीगी अगर देखी, अगर देखी
कहीं मेरी चोली वो बोलेंगे मुझसे बुरी बुरी बोली बुरी बुरी बोली क्या बात है वाह वाह बोलेंगे लाला मुझसे बुरी बुरी बोली वो बोलेंगे लाला मुझसे ना तो मैं मीरा लाला और न मैं राधा ना तो मैं मीरा लाला और न मैं राधा एक धोबिया की बात पे निकारी सीता माता ना तो मैं मीरा लाला और न मैं राधा एक धोबिया की बात पे निकारी सीता माता धरती पटी जब समाई सीता माता धरती फटी जब समाई सीता माता खेलो न होली सुनो मेरे लाला खेलत अगर देखी खेलत अगर देखी कहीं मुए होली क्या बात है वाह 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 क्या बात क्या बात वो बोलेंगे मुझसे बुरी 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 बोली वाह 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 बोलेंगे लाला मुझे बुरी बुरी बोली बुरी बुरी बोली वो बोलेंगे लाला मुझसे वाह 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 बहुत खूब वाह ये आपके सामने शमशाद भाई ने बहुत ही आध्यात्मिक होली आपके सामने प्रस्तुत की क्योंकि हमारे कमल जी ने कहा कि होली खेले कमलजू और सरसों होली खेले कनकजू और सरसों होली खेले कनकजू और सरसों और आओ एक बार फिर अरसों होली खेले कनकजू और सरसों रंगोत्सव खाद्य फुहार मैं भी आपने पहली फुहार का आनंद लिया शमशाद भाई की होली के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रंगोत्सव काव्य फुहार की दूसरी फुहार को लेकर कलाकार हैं आकाशवाणी दूरदर्शन के अनुमंडित कवि गीतकार स्क्रिप्ट राइटर धर्मपाल मधुकर तो लीजिए आप उनसे फुहार का आनंद लीजिए धर्मपाल मधुकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं और रंगों की महफिल में क्या बात है रंगों की महफिल में क्या बात है आकर तो देखो क्या बात है रंगों की महफिल में आकर तो देखो दामन जरा दामन से मिलाकर तो देखो वाह वाह दावा है मेरा क्या बात है दावा है मेरा इरादा बदले है आपका दावा है मेरा इरादा बदले है आपका गोरे गालों पे एक बार रंग क्या बात है क्या बात है अच्छी बात है रंग अभी सो रंग दो रंग रंगोत्सव है रंग अभी सो रंग दो आज अंग अंग आज हमार क्या बात है वाह रंग अभी सो रंग दो अंग अंग आज हमार चीनी काना सो हमने करवद बहुत गुहार तंग करे मन मुस्कावे क्या बात है क्या बात तंग करे मन मुस्कावे पिचकारी गए हाथ में करत प्यार सो वार क्या बात है इस रंगोत्सव में सही बात एक सखी दूसरी सखी से अपनी व्यथा को इस तरह बयान कर रही है स्वागत वो एक सखी दूसरी सखी से बता रही है हाँ चुकाई सुनाइए बलम होरी खेले क्या बात है बलम होरी खेले सुनोर मुरी गुइया बलम होरी खेले क्या बात है क्या बात है सुनो मुरी गुइया कोंचा पकड़ बने पकड़ लीनी बइया क्या बात है करे चैया मैया क्या बात है सुनो मोरी गुइया क्या बात है क्या बात है बलम होरी खेले सुनो मोरी गुइया एक हाथ बिन रंग सो बिगारो क्या बात है क्या बात है एक हाथ बिन रंग सो बिगारो क्या बात है दूजे सो
दूजी सो पकड़ लीनी सोने सी मैया सुनो मोरी गुइया बलम होरी खेले सुनो मोरी गुइया ऐसी बिगारी मोरी सारी अनारी क्या बात है ऐसी बिगारी मोरी सारी अनारी ले फिर कहिया वाह क्या बात है कहिया ले फिर कहिया सुनो मोरी गुइया बलम होरी खेले सुनो मोरी गुइया बड़े होते होरी क्या बात है क्या बात है बड़े उतर होरी ज कैसी आई होरी क्या बात है बड़े उतर होरी ज कैसी आई होरी आज जग जोरी है क्या बात है क्या बात आज जग जोरी है नरम कलैया बलम होरी खेले सुनो मुरी गुनिया मधुकर पिया संग ऐसी होरी खेल क्या बात है क्या बात है मधुकर पिया संग क्या बात है मधुकर पिया संग ऐसी होरी खेलो कछु डर नहीं है क्या बात है वाह सुनो मोरी गुइया बलम होरी खेले सुनो मोरी गुइया बलम होरी खेले सुनो मोरी गुइया रुक रुक बस टीवी न्यूज चैनल खबर हर पल की प्रस्तुति रंगोत्सव काव्य फुहार को लेकर हम हाजिर हैं उन्हें आपकी सेवा में अब आपके बीच सिविल एडिटर पुलिस अधीक्षक श्री चेतराम सिंह जी भदौरिया जी अपनी पिचकारी लेकर काव्य फुहार देने आ रहे हैं श्री भदौरिया जी होली का वक्त है वृंदावन में क्या बात ब्रज में होली खेली जा रही है इस होली में गोपियों के ऊपर विशेषकर राधा के ऊपर कृष्ण रंग डालते हैं तो उस रंग रंगीले मौसम की होली की क्या प्रतिक्रिया राधा करती हैं क्या बात है वाह प्रस्तुत है रंग में रंग डारी क्या बात है रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी रंग डारी रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी चादर रंगी मेरी चोली रंगी मेरी चादर रंगी मेरी चोली रंगी मेरी साड़ी रंग दई सारी रंग डाली रंग में रंग डारी रंग डाली रंग में रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी मन मेरा रांचा बदन मेरा रांचा मन मेरा रांचा बदन मेरा रांचा तन दिखे लाली लाली तन दिखे लाली लाली सरावर रंग में कर दीनी सरावर रंग में कर दीनी कोई अंग ना खाली रंग में रंग डाली रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी रंग के बारे में राधा क्या कहती है कि रंग तेरा लाल हरा और पीला रंग तेरा लाल हरा और पीला पल पल दिखे और चटकीला पल पल देखे और चटकीला किंतु नजर है कारी रंग में रंग डारी किंतु नजर है कारी रंग में रंग डारी रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी तेरे रंग में रंगी जुगनिया तेरे रंग में रंगी जुगनिया कुटा भरन गई मैं पनिया क्या बात कुटा भरन गई मैं पनिया गई
मैं पनिया किंतु प्रेम की पिचकारी ने, किंतु प्रेम की पिचकारी ने करती नी मतबारी रंग डारी, रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी। अभी ये श्रृंगार का पक्ष था, अब भक्ति का पक्ष। स्वागत है, क्या कहती है राधा जी? तन के अंग रंगे और छूटे, तन के अंग रंगे और छूटे, तन के वस्त्र रंगे और छूटे, सब निकले फीके और झूठे, सब निकले फीके और झूठे, किंतु प्रेम की रंग रोरी ने, किंतु प्रेम की रंग रोरी ने रग 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 रंग डारी रंग में रंग डारी, रग 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 रंग डारी रंग में रंग डारी, रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी, रंग डारी रंग डारी बेदर्दी रंग में रंग डारी। अभी रंगोत्सव काव्य फुहार आपके सामने प्रस्तुत है, टीवी न्यूज चैनल खबर अर्पण की प्रस्तुति, और अगली फुहार लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि श्री डीसी तिवारी जी, जो अपनी रचनाओं के साथ आपके ऊपर काव्य फुहार दे रहे हैं। श्री तिवारी तिवारी जी, खबर हर पल 24 चैनल के माध्यम से मैं शहरवासियों को, नगरवासियों को होली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज के शिक्षित समाज में सभी होली बड़े प्रेम पूर्वक मनाते हैं, और रंगों की होली, गुलाल की होली की मैं पूरे शहरवासियों को, नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर से कि शिक्षित समाज में हम ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, और जो बहुएं आती हैं वो पारिवारिक रूप से संस्कार उनको ऐसे नहीं मिल पाते हैं कि वो खाना किस तरह से बनाएं, क्या बात है, और किस तरह से हम बच्चों का पालन पोषण करें, और परिवार की जो स्थिति है वो अशिक्षित समाज में इस तरह से है। अप टू डेट बीवी मिली, क्या बात है, अप टू डेट बीवी, अप टू डेट बीवी मिली, क्या बात है, वाह वाह, पति को पड़ी नकेल, क्या बात है, पति को अप टू डेट बीवी मिली, पति को पड़ी नकेल, बाक शास्त्र में पास थी और पाक शास्त्र में फेल। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, पाक शास्त्र में फेल, रसोई कर दी चालू, स्वेटर बुनने लगी, जल गए सारे आलू, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। जब उठ बोली पति जी जल्दी आओ, जले हुए आलुओं पर बर्नौल लगाओ, क्या बात है, वाह वाह सही बात। तात्पर्य यह हुआ कि हमको बच्चों को, लड़कियों को ऐसी शिक्षा की भी आज आवश्यकता है कि हम उनको घर गृहस्थी के बारे में भी शिक्षित करें और उनको संस्कार दें। होली की पुनः बहुत शुभकामनाएं। देख देख के और रंगोत्सव काव्य फुहार में आपने अभी तक अनेक रंगों का आनंद लिया, साहित्य के विभिन्न रंगों के अंतर्गत आज एक छोटी सी पिचकारी भी हमारे साथ है जिसका नाम है मंत्रिता शर्मा, उन्हें तैयार किया है उनकी माताजी एकात्म शर्मा जी ने, उनके लिए बधाई देते हुए मैं अब इस टीवी न्यूज चैनल खबर अर्पण की प्रस्तुति रंगोत्सव काव्य फुहार में मंत्रिता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे अपनी कविता सुनाए। मंत्रिता शर्मा बोल। नमस्ते, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मेरी ये कविता भारत माता के लिए, भीतर घातियों पर वार करो, भीतर घातियों पर वार, अब की बार होली में, अब की बार होली में ना रहे उनके पास फिर घर द्वार, अब की बार होली में बना तोपों की पिचकारी, क्या बात है? बना तोपों की पिचकारी, चलाओ यार अब जी भर, चलाओ यार अब जी भर, बहुत कर ली शांति के बाद, अब लगाओ दो दो लठ, क्या बात है, अब की बार होली में, अब की बार होली में दो ऐसा सबक, दो ऐसा सबक कि ना कर पाए माँ का दामन दाग दाग, क्या बात है, क्या बात है, ना कर पाए माँ का दामन दाग दार,
अब की बार होली में मेरी ये कमतियां, मेरी ये पंक्तियां कन्हैया कुमार और ओवैसी जैसे देशद्रोहियों के लिए छिपे बैठे हैं जो पाक की ना पाक गोदी में पाक की ना पाक गोदी में हरकते कर दो बेपर्दा, हरकते कर दो बेपर्दा दुनिया के सामने उनकी, दुनिया के सामने उनकी अब की बार होली में क्या बात है। खेलते रहे हम दम खून की होली हमारे साथ, खून की होली हमारे साथ, चलो करे अपने राष्ट्र धर्म की बौछार उन पर अब की बार होली में, अब की बार होली में, अब की बार होली में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पदम प्रताप सिंह एचओडी अम्बा शक्ति उद्योग लिमिटेड की ओर से समस्त कर्मचारी एवं नगरवासियों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि होली का त्यौहार सभी के घरों में खुशियाँ लेकर के आए। सचिव रेडक्रॉस भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी बामोर, आपसे आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं एवं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि कोरोना वायरस की अफवाह को देखते हुए अपील करता हूं कि इस त्यौहार में शुष्क होली मनाएं, अपने अपने परिवार को एवं अपने पड़ोसी एवं नगर को सुरक्षित रखें, हो सके फूलों की होली मनाएं, गुलाल न ज़्यादा लगाएं, गले न मिलें, हो सके तो हाथ जोड़ के अभिवादन करें और होली की खुशियां अपने अपने नगरवासियों को दें। यही मेरी पूरी मामूर नगरवासियों को होली की शुभकामना है। धन्यवाद।